पहुंच गए रूमी गेट। ये आपको दिख रहा होगा रूमी गेट, पूरा पूरा हम आपको दिखाएंगे। तो ये है रूमी गेट, इसके अंदर है बड़ा इमामबाड़ा जो कि अभी हम लोग घूम के आए। ठीक है, तो हमें सामने चलना है अब छोटा इमामबाड़ा की तरफ, तो हम लोग वहीं जाएंगे। तो इधर भी पीछे दिखा दो ज़रा, गार्डन भी है इधर। चलो सामने अब चलते हैं, सामने छोटा इमामबाड़ा और क्लॉक टावर है सामने। सामने क्लॉक टावर के पास हम लोग जाएंगे, क्लॉक टावर भी देखेंगे पहले, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे छोटा इमामबाड़ा। कम ऑन, ये हम लोग आसपास आ चुके हैं क्लॉक टावर के, सब चल के घूमने का मज़ा ले रहे हैं। चलते चलते वो रहा पीछे रूमी गेट जो कुछ देर पहले आपको दिखाया था। ये थका हारा पापा आ रहे हैं, ये मेरी मम्मी बहुत थक चुकी है। हम लोग पहुंच गए क्लॉक टावर पे और इसके सामने ही है छोटा इमामबाड़ा जो कि अब हम जाएंगे। ये रहा क्लॉक टावर का जो पार्क है, वो पार्क। बहुत धूप है, बहुत गर्मी है लखनऊ में, हल्द्वानी जैसा मौसम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे नैनीताल में जो मैं रहता हूँ उसके मुकाबले काफ़ी डिफरेंट है वेदर, हालत ख़राब हो जा रही है चलने में। हमारा क्लॉक टावर अभी 11:30 बजने को है, 11:20। तो देख लीजिए अब हम यहाँ से चलेंगे छोटा इमामबाड़ा। काफ़ी थक चुके हैं सब, यहाँ पे आसपास अच्छी कोई रेस्टोरेंट भी नहीं मिल रहा है जो यहाँ पे हम कुछ खा पी लें। अब हम क्लॉक टावर पार करके म्यूज़िकल फाउंटेन अब बंद है, ये शाम को चलता है। अब हम लोग फिर से चल पड़े हैं सामने छोटा इमामबाड़ा की तरफ, तो उससे पहले कुछ खा पी लेंगे। ये रहा वही भूखा आदमी जो बहुत भूख से मर रहा है अभी फिलहाल। सर कुछ बताएंगे, सर कैसा आ रहा है फीलिंग? खाएंगे फिर बताएंगे। चलो भाई साहब ने कह दिया कुछ खाएंगे फिर बताएंगे, सामने कुछ दुकानें दिख तो रहा है। चलो अभी हम लोग आ चुके हैं छोटा इमामबाड़ा, देखते हैं। चलिए धूप बहुत है, बताइए। देखिए ये बना है, इसी का सामने बना है, ये ऊपर जंजीर गई है। हाँ। उसको 10 फीट नीचे सरिया देके अर्थ से बनाया गया है। बाकी जुलूस वगैरह निकलते उसके छोटे आलम होते हैं। ये रहा छोटा मोटा स्विमिंग पूल उनका, और वो रहा पूरा नहाने का एरिया। ये
साउंड इतना इको हो रहा है, मैंने कोई इफेक्ट ऐड नहीं किया है इसमें, लेकिन जगह ही ऐसा है कि इको बहुत हो रहा है साउंड। तो अब आपको ओले भर करके घाट दिया जाता था और बाहर से हैंड हवा देता था, पानी गर्म हो जाता था, एक में गर्म पानी रहता था, एक में ठंडा पानी रहता था, कितना पानी कितना समूदा है उस हिसाब से समूह करके, एक में असली गुलाब जल रहता था, असली गुलाब के जल का प्रयोग करा जाता था कि जिस वक्त मोहम्मद अली शाह बादशाह के सिपाही चार पांच मैल मलते थे उनको भू ना लगे, तो इसलिए असली गुलाब जल का प्रयोग होता था। साबुन वगैरह उस समय चलते नहीं थे, तो जिससे जिस जो भी चीज़ नहाने के लिए इस्तेमाल करते हों, अगर असली गुलाब जल जो इस ज़माने में नहीं मिलेगा, वो जो है जरूर प्रयोग करते थे, पूरे में उसकी बदबू फैल जाती थी। छोटा इमामबाड़ा पे हम लोग पहुँच चुके हैं, आप पहले भी देख चुके हैं बाथरूम वॉशरूम वगैरह। अब हम लोग चल पड़े इमामबाड़ा की तरफ। ये पहुंच गए छोटा इमामबाड़ा के मेन बिल्डिंग जो है इमामबाड़ा पे। ये है इसकी गजब की कारीगरी होती है इसकी। चलिए देखते हैं धीरे धीरे, हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं अभी। चलो चलो, ये ताजिया बड़े इमामबाड़े से मुझे छोटे इमामबाड़े में आता है, जुलूस अधिक वर्ण का दुश्मन में आता है, ये पांच पांच का केंद्र आता है, पांच महीना फुट ले ली पहले जो मांगी पूरा होता है। जमाने में लाइट तो थी नहीं, मोमबत्ती रोशनी बनाने की, और ये देखिए सुराही, इसमें अंदर देखिए छोटे इमामबाड़े का डिजाइन, 1000 लकड़ी के टुकड़ों का बना छोटा इमामबाड़ा, ये बादशाह ने बनाया है। आइए, ये उनकी माँ की खबरें और बेटे की खबरें, ये देखिए हाथ में लाल बनाया छोटा इमामबाड़ा, इसकी नक्काशी देखिए कितनी बारीक बारीक है, ये 100 साल पुराना, वो चंदन लकड़ी अगरबत्ती है 150 बरस पुराना, ये अलम डिजाइन में है, ये प्लेन में कुरान दिखाई ना आपको। एक ताजा उधर देखा है, ये चला जाएगा। 200 साल पुराना है ये कुरान शरीफ। चाबी भरने से 6 महीने चलती है, अभी ख़राब है। ये जापानी हाउस एक्वेरियम, इसमें रंगीन मछली पाली हुई है, और ये रहा ये और आइए भाई साहब, आइए, ताजमहल का डिज़ाइन है और उनकी बेटी खबर नसीम मानो नाम था, ये स्टोर है मोहर्रम का सामान। तो अभी हमारा ख़त्म हो चुका है, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, क्लॉक टावर, रूमी गेट, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे लखनऊ ज़ू, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हैं और ऐसे ऐसे हैं कि मैं आपको जब तक नहीं दिखाऊँगा तब तक आप सोच भी नहीं सकते, इतने प्यारे प्यारे जंगली जानवर हैं, डरावने जानवर भी वहाँ पे इतने प्यारे लगते हैं, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप लास्ट टाइम के लिए देख लीजिए। फिलहाल ये है मेन गेट छोटे इमामबाड़ा का, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, और यहाँ पे एक मछली लगी हुई है गेट के ऊपर, थोड़ा आगे आ जा, ये विंड डायरेक्शन शो करता है किस तरफ हवा चल रही है,
ये चीज़ शो करते हैं। और ये जो चेन बंधी हुई है ये अर्थक्वेक से बचाता है इस गेट को, पूरे प्लेस को। चलिए अब जू चलते हैं। जू, अब एक्सप्लोरों का जू, कौन कौन से एनिमल्स हैं यहाँ पे और कितनी बेहतरीन आप भीड़ देख सकते हो यहाँ पे, कितनी भीड़ है। तो चलो सामने से वाला बाकी देखते हैं। ये कुछ नहीं है, बस स्टैचू है, उधर भी रखा है, थोड़ा इधर दिखा दे, इस साइड दिखा दे थोड़ा। अब हम लोग चलेंगे सीधा। चलो, मौसम बहुत बेहतरीन हो रहा है फिलहाल। जो प्रॉब्लम जो गर्मी हो रही थी उस साइड, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मौसम बहुत सेफ है, बहुत ठीक है, कंपेरेटिव भी बहुत अच्छा है। तो चलते हैं, बाकी पीछे हम लोग देखते हैं, बहुत लंबा सफ़र है जू का। तो चलिए, अभी हम लोग आ रहे हैं जहाँ पे डियर्स है। आप देख पा रहे होंगे कितने सारे डियर हैं यहाँ पे, हिरन बहुत सारा है, बहुत टाइप्स के हैं। हम लोग सामने की तरफ जाएंगे तो ब्लैक बक भी दिखेगा हमें, और ये तो एकदम नॉर्मल जो है होता है हिरन का, वो है सामने की तरफ होगा सिंह वाला। तो चले सामने की तरफ। ये देखिए एक और टाइप का, ये अलग प्रजाति का है। इसकी सिंह कितनी प्यारी है, ये जो दूर से जो जा रही है अब इतने प्यारा है। अब मैं जूम करूंगा तो शायद थोड़ा सा खराब आए फोटो। वो देखो वहाँ पे, वो देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितनी बेहतरीन लड़ाइया। अब यहाँ से क्लियर आ रहा है, आप शायद देख पा रहेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा जूम किया है मैंने तो ख़राब आनी है, वो तो कन्फर्म है। लेकिन क्या गजब है, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा इस टाइप का सीन। और एक वो देखिए सफ़ेद वाला जो हिरन है, ऐसा भी हिरन मैंने कभी नहीं देखा। और इसका सिंग तो कुछ अलग ही टाइप का है, जैसे मानो कुछ अलग ही है इसके सिंग पे लगा हुआ। हमारी सी नाजुक सी देवी आ चुकी है हमारे सामने यहाँ पे। तो चलिए हम लोग हिरन के सेक्शन से अलग जगह पे चलते हैं। ये एक बेहतरीन पाइथन है, आप दो है यहाँ पे, दो सर, मुझे पहले लगा था एक है लेकिन दो है। अब इसको डिस्टर्ब नहीं करते, चलते हैं हम लोग यहाँ से। ये एक और भाई साहब, यहाँ पे दो भाई साहब पड़े हुए हैं, अब इतना आलस आ रहा है इनको, थोड़ा भी हिल नहीं रहा है, हमें थोड़ा एंटरटेन भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कैसे एंटरटेन होगा। तो हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं। यहाँ पे दो और है तो ये इनको देखिए, ये थोड़ा सा हिल रहे थे, अब चलो डिस्टर्ब नहीं करते इनको, वो अपना छाल छोड़ चुके हैं। ये देखिए ये अपना छाल छोड़ चुके हैं, इसको नया स्किन मिल चुका है। चलो आराम से सो रहे हैं, हम लोग सोने देते हैं इसको। एक और भाई साहब यहाँ पे है, सब ऐसे ही सोए हुए हैं गहरी नींद में। चलो, ये चीज़ मुझे पता नहीं है क्या है ये, लेकिन जो भी है बड़ा ख़तरनाक लग रहा है, चिपकली टाइप लग रहा है। कमेंट करके बताना अगर किसी को पता है तो, ये कौन सी चीज़ है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए, कमेंट करना ये कौन सी चीज़ है। ये पहला जो सांप मिला है ये हिल रहा है फिलहाल, एक भी नहीं हिल रहा है, लेकिन ये हिल रहा है, इसको देख के तो मज़ा आ गया। यहाँ पे दो है, दोनों के दोनों हिल रहे हैं, बहुत एक्टिव मोड में हैं। ये आप देख पा रहे होंगे बहुत स्लोली स्लोली मूव कर रहा है सामने की तरफ।
बहुत स्लो मूव है लेकिन बहुत खतरनाक है। ये देखिए फेस कैसे बढ़ा रहा है अपना। थोड़ा सामने से वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी फेस। इतनी बेहतरीन, ये देखिए आप लोगों के लिए खास, सामने से अपना फेस दिखा रहे उठाते हुए। वाओ, ओ हो हो, ये तो फुल पोज देने के मूड में लग रहा है आज। अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। चलो बाय, हैव फन, आप आराम करो। ये एक और अलग टाइप का डियर है, हम लोग डियर सेक्शन में दोबारा आ चुके हैं। तो इसका नाम है ब्लैक हॉग। ये अलग ही टाइप का इसका सिंग है और बहुत प्यारे प्यारे भी है लग रहा है। जो मेल है उनका सिंग है, जो फीमेल है उनका सिंग नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। ये इतना बड़ा बड़ा हिरन देख के मेरे भाई को शौक लग रहा है। इसकी साइज कुछ अलग ही है। मैं भी थोड़ा बहुत हैरान हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे पता था चीज़। ये देखिए इसका सिंग, देखिए मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये रहा, कितना खतरनाक है, माय गॉड, कभी नहीं देखा मैंने ऐसा। ये देखिए सबका, ये लायन टेल्ड मंकी है, ये एक ही है बस, मैंने जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके जूम कर दिया है। अब अगर ये सामने आए तो किस्मत है, जो हमें जितना देखना था वो तो हम देख चुके हैं। अब देखते हैं ये अपना शक्ल दिखाता है या नहीं। अब लग नहीं रहा है, थोड़ा सा रूट गया लग रहा है, चला जा रहा है अपना। बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा हरी हिरन, खाने में बिजी है तो चलिए हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इतने टाइप्स का हिरन हमने देख लिए है। आपको पता है ये चीज़ कौन सी है, कोई गेस करके बोल सकता है? गेस करिए कौन सी चीज़ है और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अपना, कौन सा चीज़ है ये, देख लीजिए। देखिए ये देखिए कितना बड़ा है साइज बाज का, मैं जितना क्लोज हो सकता है ले रहा हूँ। ये देखिए दो है यहाँ पे, एक और ऊपर है, ये भाई साहब ऊपर बैठे हैं। ये रहा, मैं जूम इन करके दिखा सकता हूँ। ये हमें मिल गया है मोर एक। मैंने जितना मैक्सिमम हो सकता है मैंने जूम किया है, इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं दिखने का, दिखाने का भी कुछ नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पास से, कितना पास से ले सकते हैं देखते हैं। मुझे लग नहीं रहा है ये पास आएगा। ये है रॉयल बंगाल टाइगर, ये हिलने का नाम नहीं ले रहा है। मैं जूम आउट करता हूँ, शायद थोड़ा क्लीन दिखे। ये रहा, अब जूम इन करके दिखाता हूँ। ये हिलने डुलने का नाम नहीं ले रहे हैं महाशय, कोशिश करते हैं सामने से ले पाए, देखते हैं। ये थोड़ा सा हिला, मेरे बगल में एक चूहिया खड़ी हुई है, ये देखिए चूहा। ये आ गया टाइगर, कोई आवाज़ ना करे, आवाज़ ना करे। ये देखिए टाइगर आ गया है सामने, बहुत पास आ चुका है। एक बार इधर आ जाओ बच्चा, बेटा एक बार आ जाओ, एक बार दिखा दे शक्ल इधर। ओ वाओ, ये रहा भालू, ये हंसों का जोड़ा है, राजहंसों का जोड़ा। सारे अपने मजे ले रहे हैं,
पानी का और गर्मी का। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। ये अपने सरोवर में मग्न है, खुद को सफाई करते हुए, खुद की सफाई करते हुए। थकान इतना हो रहा है घूमते घूमते, मैं आपको बता भी नहीं सकता। इतनी बड़ी एरिया है लखनऊ ज़ू का, सबको ज़रूर आना चाहिए। अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी भी। अभी हम लोग ज़ू में हैं, लखनऊ ज़ू में घूम ही रहे हैं। तब से करीब एक डेढ़ घंटा हो गया हम लोगों को ज़ू में। अभी तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर नहीं पाए, अभी तक लगभग 30-40% ही कंप्लीट हुआ है। बहुत कुछ है अभी देखने के लिए। हम लोग उधर गए थे टाइगर्स देखे, भालू देखे, अब थोड़ा रेस्ट करने का टाइम है। तो मेरे सामने अभी जिराफ है और इतने सारे विजिटर्स हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितने विजिटर्स हैं यहाँ पे, पूरा सराउंडिंग देखिए। और एक सामने जिराफ है जो का जो अपना पेड़ लगा रहा है वहाँ पे, देखिए कितना लंबा है। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को जो है। और विजिटर्स इतने सारे हैं यहाँ पे, छोटे बच्चे बड़े हैं, सब अपने अपने मज़ा उठाते हुए आ रहे हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मछली घर। ये यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ फिशेस मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा। पहले हम लोग नीचे से शुरू करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाते हुए देखते हैं कितने सारे मछलियाँ हैं। ये हम चल पड़े हैं टॉय ट्रेन पे, ट्रेन हमारी छूट चुकी है। तो सारे पैसेंजर्स है, ये को पैसेंजर्स हमारे, एंजॉय करते हुए टॉय ट्रेन का व्यू। हम लोग अभी भी लखनऊ ज़ू में हैं। मेरी थका हरा मम्मी बहुत थक चुकी है बेचारी, पापा फुल मस्ती में अभी भी, और ये तो भोंदू थक चुका है अभी भी, बस स्टाइल ही मारना आता है इसको। अभी हम लोग टॉय ट्रेन पे हैं, तो ये रनिंग में सब कुछ दिखेगा हमको। अभी ये बर्ड सेंचुरी है फिलहाल। कुछ अगर इंटरेस्टिंग मिलता है, सब लोग अपना अपना वीडियोस बना रहे हैं, तो देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है या नहीं हमें। जैसे हिप्पोपोटामस मिल गया हमें, तो ये तो हम पहले भी देख चुके थे जब हम लोग पैदल आए थे, लेकिन अब हम लोग टॉय ट्रेन का मज़ा ले रहे हैं।
चलो अब देखते हैं इधर कुछ मिलता है या नहीं। मुझे बस डर एक चीज़ का लग रहा है कि हाथ से फ़ोन ना छूट जाए, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा मेरे लिए। कुछ ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ से, उम्मीद भी नहीं करता हूँ मैं कुछ दिखे। यहाँ पे शायद ही क्रोकोडाइल्स मिल जाए, शायद ही मिल जाए क्रोकोडाइल्स, लेकिन सारे पानी के अंदर है, कुछ भी नहीं है। और जहाँ पे है वहाँ दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ तो वो देखिए, एक छोटा सा मिल गया था, वो देख कोने कोने में सारे सो रहे थे शायद थका रहा। ये देखिए वाइट टाइगर है एक, ये इधर से क्लीन शॉट आ रहा है वाइट टाइगर का। चलिए इतने ही शायद दिखा पाऊँ मैं, लेकिन टॉयट्रेन में मज़ा बहुत आ रहा है। ये देखिए एक और वाइट टाइगर, मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा। हाँ भाई, ये है वाइट टाइगर। एक और सो रहा था, वो देखिए एक और है, मैंने जूम इन करके रखा है। ये देखिए एक और वाइट टाइगर पता नहीं कितना आ रहा है, बहुत शायद ब्लर आ रहा होगा, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता मैं इससे ज़्यादा। तो हम लोग बहुत दूर से हैं, ये देखिए सारे हमारे टॉय ट्रेन में सारे मेंबर्स जो भी है यहाँ पे। अपना अपना मज़ा लेते हुए टॉय ट्रेन का। ये इंस्टीट्यूट है यहाँ का, तो ये तो इंडियन एयरफोर्स का प्लेन है जो बहुत साल पुराना है, बस यहाँ पे म्यूज़ियम के हिसाब से रखा गया है, ये म्यूज़ियम ही है। ये छोटा सा एक अंदर रिजॉर्ट टाइप है खाने पीने के लिए, और ये वाहन चलता है ऑन रोड घूमने के लिए। चलिए हम लोग सीधा चलते हैं, आप देखते हैं और कुछ दिखाई देता है या नहीं टॉय ट्रेन में। वैसे टॉय ट्रेन में आना तो बेकार ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि बस वाइट टाइगर ही दिखे और एक भी कोई दिखे, और कुछ दिख नहीं रहा है टॉय ट्रेन से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लखनऊ असेंबली के सामने से, आप देख पा रहे होंगे नज़ारा कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है यहाँ का। अभी हम लोग पहुँच गए लखनऊ टुंडे कबाब के, वहाँ लखनऊ की फेमस डिश है टुंडे कबाब, तो वही हम आज टेस्ट करेंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं, देखते हैं कैसा रहता है। आ गया हमारा, अब शुरू करते हैं खाना। डे वन ख़त्म हो गया है लखनऊ का, बस यही तक का था हमारा आज का सफ़र। अभी हम लोग होटल जा रहे हैं, बस कल हम लोग सुबह निकलेंगे अंबेडकर पार्क और ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।